नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के करीब 60 किलोमीटर दूर कसरावत गांव में मौजूद हैं। ये गांव हरसूद तहसील का गांव है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो बैक वाटर का जो पानी है इंदिरा सागर बांध परियोजना का, तो ये कसरावत गांव से सटे हुए हिस्से में यहाँ पर जमा हो गया है। इसकी वजह से गाँव के कई किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। इसके साथ ही ये जो मार्ग है इसके आगे गाँव का मुक्ति धाम भी है। इस वजह से यहाँ पर गांव में किसी का निधन होने के बाद गांव के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जाने में भी काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और इसे लेकर गांव के लोगों का काफी विरोध सामने आया है। और हरसूद क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े श्री महेंद्र सिंह राजपूत ने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से बात की है, साथ ही NHDC के अधिकारियों से को भी इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन जिम्मेदार इस समस्या की ओर ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो आज हम यहाँ पर खबर करने के लिए पहुंचे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस गांव के जो लोग हैं ये बैक वाटर का पानी जमा हो जाने की वजह से खेत में नहीं जा पा रहे हैं और इसीलिए गांव के लोगों ने पानी के भीतर खड़े होकर अपना विरोध प्रकट किया है, ताकि अधिकारी जो कुंभकर्णी निंद्रा में लीन है वे नींद से जागे और ग्रामीणों की समस्या का निराकरण हो। तो हम इस खबर को कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर गाँव के बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिनका इस समस्या के निराकरण की जिनकी मांग है और पानी में खड़े होकर जिनका विरोध सामने आया है। तो खबर को पूरा देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम गांव के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वे इस समस्या के बारे में क्या कहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भंवर सिंह मालवीय। मालवीय जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। कसरावत गांव के। कसरावत गांव। क्या कहना चाहेंगे, ये समस्या कब से बनी हुई है, क्या क्या दिक्कतें आती है? जब से यहाँ पे डूब आया है तब से बनी हुई है और गांव के लोगों को काफी समस्या होती है। एक प्रमुख तो यहाँ पे मुक्ति धाम जो है जी, वहाँ पे जाने में अभी मेरे कल ही मेरे छोटे भाई की डेथ हुई थी जी। तो हमको उसके छोटे बच्चे हैं उनको ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, मतलब देखो कि छोटा बच्चा है जी, अब वो इस पानी से निकल रहा है जी, तो कैसे उसके मन में भय पैदा होता है जी जी। और किसान है, किसानों को आने जाने के लिए अपने खेतों में जो भी है उनकी फसल वगैरह नुकसान हो रही है, देख नहीं पाते, जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं। जैसे सोयाबीन तैयार होने पे आ गई है, तैयार हो गई तो है, आपको खेतों के नियमित जाना पड़ता है। अब जैसे रात बिरात यहाँ पे इतना पानी जो जमा हुआ है, सही है, ये पानी जो है इंदिरा सागर का बैक वाटर है। जेंट्स तो कैसे भी निकल जाता है, लेकिन लेडीज वगैरह जाती है तो उनको बड़ी परेशानी होती है ना जी, लेडीज कैसे निकल पाए जी। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। शासन अपनी निद्रा में सोया हुआ है, कभी ध्यान नहीं दिया अभी तक जी। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को काफी बार अवगत करा दिया है लेकिन कभी भी कोई इसकी सुध नहीं लेता जी। जी जी, ठीक है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे वे क्या कहते हैं। दादा क्या नाम है आपका? सूरज सिंह राजपूत। राजपूत जी आप क्या कहेंगे? अब ये 2005 से जब से डूब आया है जी, जब से ये पानी यहाँ पे जी, हमेशा ये लोगों को ये तकलीफ का सामना करना पड़ता है जी। और कम से कम 50-60 किसान लगे हैं यहाँ पे जी, उनको भी जाने आने में बहुत दिक्कत आती है जी। और जैसे कल ये भैया के यहाँ उनके छोटे भाई की डेथ हो गई जी, तो इनको कल भी जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा जी। वो बच्चे को ले गए तो उनको सहारा देके यहाँ से निकाला गया जी, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। बारिश जब ज्यादा होती है और जब बैक वाटर जब यहाँ पे इंदिरा सागर का पानी जमा होता है उस समय पानी क्या और ज्यादा बढ़ जाता है, कम से कम 2.5 से 3 फीट पानी हो जाता है। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ के किसान भी नहीं जा पाते हैं। हाँ, किसानों को भी और सभी आदमी जो भी इधर जितने लोग जुड़े हैं सभी को बहुत परेशानी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो इस संबंध में लगातार आप भी प्रयास करते रहे जी, महेंद्र भैया के माध्यम से। हाँ, जी जी, ठीक है। यहाँ पर और भी कई लोग मौजूद हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पीछे तक यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनका इस समस्या को लेकर जिनका विरोध है, वो चाहते हैं कि पानी का यहाँ पे कोई रास्ता निकाला जाए, यहाँ पे किसी तरह से पुल पुलिया का निर्माण किया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। यहाँ पर एक किसान मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, जानने क्या कहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। सुमेर भाई आप यही गांव के ही रहने वाले हैं? गांव के सर। तो आप इधर का खेत में जा रहे हैं? खेत में जा रहे हैं सर, बहुत बड़ा जानवर था, सवेरे से निकल को जा रहा था तो वो तो हम दूर थे, थोड़े खड़ा गए, लकड़ी हाथ में रखते हैं। अच्छा, पानी को भरा जाता, परसों रोज इतना पानी था यहाँ, फिर भी जाना पड़ता खेत में। अच्छा, आप इधर खेती है? हाँ खेती है। हम आपको बता देना चाहते हैं, सुमेर भाई जो है इस गाँव के रहने वाले हैं और इनका खेत है और इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो पानी यहाँ पर जो जमा हुआ है, तो पानी जमा होने की वजह से यहाँ पे जहरीले जीव जंतुओं का भी प्रकोप बढ़ा है। इन्होंने आज सुबह ही यहाँ पर एक सांप देखा और ये काफी उससे बचते हुए अपने खेत तक पहुंचे, लेकिन चूंकि इनके खेत है, इनको अपनी खेती भी करनी है, अपने घर का पालन पोषण भी करना है, तो इसलिए अब इनकी मजबूरी है, तो ये जान जोखिम में डाल के इस रास्ते से गुजर रहे हैं। हम एक दो लोगों से बात करेंगे, इसके बाद हम महेंद्र सिंह राजपूत जी से बात करेंगे।
आप इस क्षेत्र के सक्रिय नेता हैं और हमेशा जनता की समस्या को उठाने के लिए सक्रिय रहते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष यादव सर। जी क्या कहेंगे आप? सर मेरा खेत भी इधर है, हमारी बड़ी दिक्कत आती है, रात इससे जाना नहीं होता खेत में, 8-10 दिन जाते हैं डर के कारण। अच्छा, क्योंकि सांप जानवर फिरा करते हैं सर जी, बड़ी पानी ज्यादा कम, पानी ज्यादा कम हो जाता है सर, इसलिए नहीं जाते हम, 15 दिन में खेत में जाता हूँ। अच्छा, तो आप क्या मांग करते हैं सर? यहाँ पुलिया हुए, पुल बनाया जाए जी, तो पब्लिक को परेशानी ना हो। पब्लिक काफी परेशान हो रही। दादा क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है भैया आपका? संतोष सिंह। संतोष भैया क्या कहेंगे आप? जी सर, इधर हमको खेत में तकलीफ बहुत ज्यादा उठ रही है, इसमें पानी में बहुत समस्या आ रही है। अच्छा, ये जो जानवर परेशान करते हैं हमारे, वो रात बेरात भी जाते हैं खेत में जी, इसलिए बहुत ज्यादा पानी काफी बढ़ जाता है जी। अच्छा, तो इस कारण तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। गांव में जैसे किसी का निधन हो जाए तो उसमें भी कल हमारे छोटे भाई का निधन हो गया, उसमें हमको बहुत समस्या गई है जी, तो इसको लेकर अपना विरोध है जी सर, कि भाई ये समस्या का हल किया जाए जी सर, इसकी पुलिया बने यहाँ पे कुछ भी जी। ठीक है, जो बात जिन लोगों ने कही है, इन बातों के साथ गांव के सभी लोगों की राय है। अब हम इस खबर में महेंद्र सिंह राजपूत जी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वे क्या कहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर पानी में खड़े हैं लोगों के साथ, आपका विरोध सामने आया है। ये हमारे पंचायत का गांव है कसरावत जी, तो ये बेग बाटर में कम से कम 5-7 साल से ये इतना ही पानी भरा रहता है जी। तो यहाँ के किसानों ने, सभी लोगों ने अवगत, एनएडीसी महाप्रबंधक जी, जी एनएडीसी महाप्रबंधक, कलेक्टर महोदय, सभी को अवगत करवाया है जी। अभी 2 साल पहले के एनएडीसी की टीम भी आई थी, अधिकारी लोग भी आए थे जी, वो को भी पानी में देख के गए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो हमारा तो यही निवेदन है, क्योंकि अभी किसानों का कम से कम 25-30 किसान है जी, तो अभी सोयाबीन का समय आ गया, अब इसमें से किसान कैसे निकलेंगे इतने पानी में से जी। तो यही अनुरोध है कि, और जैसा कल एक हमारे छोटे भाई मालवी परिवार में हमारे एक छोटे भाई की डेथ हो गई है जी, तो आज उस पानी में निकलने के लिए एक ही मान रास्ता है मुक्तिधाम जाने के लिए भी गांव के लिए जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जी। और इसमें बेग बाटर के सांप, बिच्छू, जहरीले और कई प्रकार के जंतु आते हैं जी। तो हमारे किसानों के लिए बहुत दुखदायी मामला है जी। और हमने कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध किया, एनडीसी महाप्रबंधक से भी किया, 4-5 सालों से इसको प्रयास कर रहा है जी। तो हमारा ये निवेदन है आपके माध्यम से, आपके चैनल के द्वारा, कलेक्टर महोदय से, कि हमारा अनुरोध है जी, कलेक्टर महोदय से हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारी ये कार्रवाई को 15 दिन में इस काम को हमारे को गति दिया जाए, और ताकि लोग बाग हमारे किसान लोग खेत में जा सके जी, और सोयाबीन काट सके जी। आप इसके लिए और क्या प्रयास करेंगे आगे? अब हमारा मतलब तो यही है कि हमारे किसानों की सुनवाई हो, और कलेक्टर महोदय से हमारा आपके माध्यम से यही अनुरोध है जी, कि 15 दिन में ये किसानों का काम, माने आप सोयाबीन की फसलों का काम लग जाएगा जी, तो जल्दी से जल्दी इसका काम लगा जाए जी। और हमने कई बार अधिकारियों को अवगत भी करवाया कि यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि हम 4-5 साल से इसको बता रहे हैं जी, और 15 दिन में कभी नहीं सुनवाई होती जी। तो फिर हम बाकी किसानों को लोग के हमारे माननीय मंत्री जी महोदय जी के पास ये प्रस्ताव रखेंगे जी, तो होना ही है फिर काम जी। 15 दिन से आप, हाँ माँ, 15 दिन में कभी हमारे कलेक्टर महोदय से अनुरोध कभी नहीं सुनवाई होती है, तो फिर हम सभी किसानों को लेके इस बात का प्रस्ताव हम मंत्री जी के पास रखेंगे जी। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, ये किसान हैं, एक बुजुर्ग किसान है जो अपने खेत में से आ रहे हैं, साइकिल से अपनी कुछ फसल लेकर आ रहे हैं, कुछ चारा लेकर आ रहे हैं अपने पशुओं के लिए। तो आप देख सकते हैं कि समस्या कितनी विकराल है, और लोगों को कितना परेशान होते हुए अपने खेतों तक जाना पड़ रहा है। अभी हमने महेंद्र राजपूत जी से बात की, उन्होंने कहा है कि ये समस्या को लेकर वे क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी के पास भी जाएंगे और इस संबंध में अवगत कराएंगे। और इस चैनल के माध्यम से श्री राजपूत ने जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी मांग की है कि इस समस्या का निराकरण होना चाहिए, और गांव के लोग जो हैं वे समस्या से काफी जूझ रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि ये खबर देखने के बाद कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए अधिकारियों की नींद जरूर खुलेगी और इस समस्या का निराकरण जरूर होगा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।